और उधर जंग के बीच लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिज़्बुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच संघर्ष और तेज हो चुका है। हिज़्बुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दी है, जिसके बाद उसने एक वीडियो भी जारी करके इजराइल पर हमले का दावा कर दिया है। हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि उसके ताबड़तोड़ हमलों में इजराइल के टैंक और आधुनिक हथियार सब कुछ नष्ट हो चुके हैं। हिज़्बुल्लाह का दावा है कि इजराइल के खिलाफ वो नए और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही उसने गुरिल्ला वॉर का रास्ता भी अपना लिया है। इजराइल ने दावा किया है कि हिज़्बुल्लाह ने उस पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी, ग्रेनेड, रॉकेट से इजराइल की सेना पर बेहद करीब से हमला किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि हिज़्बुल्लाह इजराइल के टैंकों को महज 100 से 150 मीटर की दूरी से एंटी टैंक मिसाइल से और रॉकेट से निशाना बना रहा है। और वीडियो में जिन घातक राइफलों का इस्तेमाल होता दिखाई दिया, वो इजराइल की सेना के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। वीडियो में हमले का तरीका ये साबित करने के लिए काफी है कि इजराइल की सेना को बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से जंग लड़नी है, वो भी उस समय जब हिज़्बुल्लाह की तरफ से इजराइल की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिज़्बुल्लाह का दावा है कि इस हमले के लिए उसे इजराइल ने ही मजबूर किया। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने उसकी सीमा में घुसकर हमले किए, जिसमें लेबनान के कई लोगों की जान चली गई। हिज़्बुल्लाह का आरोप है कि इजराइल की सेना ने लेबनान के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और आधी रात में वहां जोरदार रॉकेट दागे। इजराइल की सेना ने इस हमले के बाकायदा वीडियो भी जारी किए, जिसमें लेबनान और इजराइल की सीमा के पास मौजूद कुछ फौजी ठिकानों पर धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने सीमा के पास मौजूद हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से वार किया। इन धमाकों को देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने हिज़्बुल्लाह के अड्डों पर क्लस्टर रॉकेट से वार किया और सीना ठोक के इसकी जिम्मेदारी भी ली। इजराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी सेना की टुकड़ी रॉकेट अटैक करती हुई नजर आई। इस दौरान कुछ सैनिकों ने उन रॉकेटों के लॉन्च सेंटर को ट्रैक भी किया, जिसके बाद इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने हिज़्बुल्लाह के कई ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद करने में कामयाबी हासिल की है। इसके बाद हिज़्बुल्लाह का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इस हमले के बाद हिज़्बुल्लाह के कमांडर इतनी बुरी तरीके से भड़क गए हैं कि उन्होंने इजराइल का नामो निशान मिटाने की ठान ली और धमकी दी कि इजराइल को हिज़्बुल्लाह से कोई नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद इजराइल की सेना और उसके ठिकाने हिज़्बुल्लाह के निशाने पर आ गए, क्योंकि गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे इजराइल को उसकी उत्तरी सीमा पर हिज़्बुल्लाह से भी चुनौतियां मिल रही है। हिज़्बुल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद उसका खुलकर समर्थन किया और इजराइल के खिलाफ उत्तरी सीमा पर मोर्चा खोल दिया और दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी और रॉकेटों से हमले का दौर जारी है। इसी से भड़के इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिज़्बुल्लाह को साफ शब्दों में हमले की कीमत चुकाने की धमकी भी दी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिज़्बुल्लाह के नेता नसरल्ला को धमकी देते हुए यहाँ तक कह दिया कि वे बेरूत को गाजा में तब्दील कर देंगे। और इस धमकी के बाद हिज़्बुल्लाह बौखला गया और उसने इजराइल की सेना और उसके ठिकानों को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया और चेतावनी दी कि ये हमले इजराइल के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। मतलब हिज़्बुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल को सीधी चुनौती दे दी। हिज़्बुल्लाह ने साफ साफ शब्दों में ऐलान किया कि लेबनान में हुए हमलों का बदला वो ज़रूर लेगा। साथ ही ये चेतावनी दी कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से किए गए हमले लेबनान में किए गए हमलों से ज़्यादा घातक होंगे। अब हिज़्बुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दी है और हमास की स्टाइल में इजराइल की सेना पर सामने से निशाना लगाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि उसने इजराइल के खिलाफ भीषण हमलों की बरसात शुरू कर दी है, जिससे नेतन्याहू की नींद हराम हो जाए। इस दौरान हिज़्बुल्लाह ने इजराइल को धमकाते हुए ये भी कहा कि इजराइल उसके लड़ाकों की असली ताकत से वाकिफ नहीं है। मतलब उसने साफ कर दिया कि लेबनान बॉर्डर पर तनाव कम नहीं होने वाला, क्योंकि हिज़्बुल्लाह की चेतावनी के मुताबिक वो अब इजराइल पर एक के बाद एक बड़े हमले का मन बना चुका है। और दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह के चीफ हसन नसरल्ला ने पहले ही दावा किया था कि इजरायली सेना के लिए गाजा युद्ध विनाशकारी साबित होगा। हिज़्बुल्लाह के 60,000 से ज्यादा लड़ाके हमास के 40,000 से ज्यादा लड़ाकों के साथ इजरायली सेना पर दूसरे राउंड का विनाशकारी हमला करने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने भी माना है कि हिज़्बुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल ताकत इजराइल के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। वहीं इजरायली सेना पूरे जोश के साथ दावा कर रही है कि उसने उत्तरी गाजा में हमास के कई गढ़ों पर कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के चीफ सिनवार को उसके बंकर में घेरने का दावा भी किया, जिसके मुताबिक सिनवार बंकरों में फंस चुका है क्योंकि वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उत्तरी गाजा का आधे से ज्यादा इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिलिस्तीनी और हमास के समर्थकों के बीच खून खराबा जारी है और इस बीच हिज़्बुल्लाह पूरी तरह से हमास के समर्थन में डटा हुआ है।